नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश नायक और आज आपके लिए लाया हूं एंड्रॉइड ऑटो। कहने का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप है ये गूगल की तरफ से। आपको करना कुछ नहीं है, बस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसमें जो भी सेटअप परमिशन मांगते हैं वो सारी चीज़ें कर दीजिए और उसे अपने यहाँ पर सेटअप कर दीजिए और आप वॉइस एक्सेस के ज़रिए उसमें सब चीज़ पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा रेस्टोरेंट है, रूट नेविगेट कर सकते हैं और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रेडियो भी सुन सकते हैं और गाने भी चालू करके आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐप खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मान लीजिए आप कहीं नई जगह गए हैं, आपको पता नहीं है वहाँ का रास्ता, तो आप जो है इसकी मदद से बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ पर सेटअप कर दीजिए और उसके बाद आप लाइव मैप लोकेशन देखते जाएंगे, रास्ता भी देखते जाएंगे और मान लीजिए आपकी कॉल वगैरह आती है, मैसेज आती है, तो उसका भी आप वॉइस एक्सेस के ज़रिए जो है उसे भी नेविगेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल को बार बार टच करना पड़े, वहाँ पर काम करना पड़े। आप जो है सिंपली बोलते जाइए और वॉइस एक्सेस के ज़रिए आप बाकी भी अपने काम जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में चलिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए एंड तक। तो फ्रेंड्स, जिन कारों में इनबिल्ट डिस्प्ले होता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन मान लीजिए आपके कार में अगर नहीं है ये चीज़, तो आप अपने मोबाइल डिवाइस को भी स्टैंड में रखकर यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ये म्यूजिक वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं, और अगर आप जाते हैं यहाँ पर फ़ोन कॉल्स में तो आप यहाँ पर रिसेंटली आपके फ़ोन कॉल्स देख सकते हैं जो भी आपकी है, और यहाँ अगर आप जाते हैं टैब में तो नेविगेशन में आप यहां पर अपनी लाइव लोकेशन देख सकते हैं और यहां से आप नेविगेट भी कर सकते हैं आपको कहां जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप को यहां पर मिलता है वॉइस एक्सेस का ऑप्शन। सबसे अच्छी खासियत इसकी यही है, आप चाहें तो हैंड्स फ्री लगा सकते हैं अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आपको ओके करना है, इस पर क्लिक करना है वॉइस वाले एक्सेस में और उसके बाद आप वॉइस कमांड देकर इसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नेविगेट टू पीथमपुर, नेविगेटिंग टू पीथमपुर, ऑन योर वे टू पीथमपुर, ट्रैफिक इज लाइट एज यूजुअल। Restaurant in my route. Showing results for restaurant in my route along your route. और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर आप ड्राइविंग करते रहें और अपने हैंड्स फ्री के जरिए आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी देख सकते हैं इसकी बदौलत। तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको डिस्टर्बनेस के बगैर ही आप अच्छे से ड्राइविंग करते रहें और आप इसके एक्सेस ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।